नशा विनाश अभियान के तहत अफीम के 815 पेड़ बरामद। एसपी ने पुलिस को दिया 10,000 रुपए का इनाम। एसपी मैनपुरी अजय कुमार को बुधवार को जनता के एक सम्मानित व्यक्ति से मोबाइल फोन पर करीब 2 बिस्वा जमीन पर अफीम की खेती होने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर गंभीरता से काम करते हुए कुल 3 टीमों का गठन हुआ था। पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल सही समय पर छापेमारी हुई और सरगना सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कमलनेर थाना किशनी को नशीले पौधों के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से कुल 815 पौधों को बरामद किया गया। सभी में पॉपी के परिपक्व फल लगे हुए थे। कुछ ही दिनों में इन पौधों से लाखों की अफीम तैयार की जाने वाली थी, परंतु जनता के एक जागरूक व्यक्ति की सूचना के कारण नशे का यह बड़ा सौदागर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया और पुलिस के प्रति जनता में विश्वास की भावना बलवती हुई। मैनपुरी जनपद की प्रमुख समस्याओं में एक बड़ी समस्या नशाखोरी की है। इससे युवाओं को और उनके परिवारों को बचाने की एक बड़ी मुहिम एसपी के स्तर पर शुरू की गई है और उसका नाम दिया गया है नशा विनाश अभियान। इस अभियान के तहत कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। ये थाना किशनी कुसमरा क्षेत्र जनपद मैनपुरी का प्रकरण है। यहाँ पर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अफीम की खेती की जा रही है। उस सूचना को सही मानते हुए पुलिस टीमें गठित की गई थी और पुलिस को सफलता मिली है। एक 2 बिस्वा का प्लॉट था और उसमें करीब 815 पौधे मिले हैं। पॉपी प्लांट के पोस्ता के पेड़ हैं जिससे आगे अफीम तैयार की जाती है। एक तरह से अफीम की खेती का खुलासा मैनपुरी पुलिस ने किया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का नाम सुरेंद्र सिंह है, जो वहीं कमलनेर गांव का रहने वाला है। ये पूर्व प्रधान और BDC भी रह चुका है, ऐसी जानकारी मिली है। इसका कहना है कि एक बाबा नाम का आदमी था जिसने इसको ये काम करना सिखाया। उस बाबा की भी तलाश है पुलिस को। फिलहाल इस मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 8/18 NDPS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है और ये निश्चित रूप से हो सकता है एक बड़ा रैकेट इसमें काम कर रहा हो। उसके लिए पुलिस की टीमें लगी हैं। आगे इसकी कुंडली खंगाली जाएगी। फिलहाल पुलिस टीम को इसमें 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है और जनता के जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और समय आने पर उसको पुरस्कृत भी किया जाए।